हेलो नमस्कार वनकम वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकबेथ एक्ट वन सीन फोर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले पहले जो हमने तीन सीन्स किए थे और इसके साथ साथ जो पहली स्टोरी की थी उसकी वीडियो देख ली है ताकि उससे एक तरह से मदद मिलती है बिकॉज मैकबेथ इज प्रॉब्लम वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्लेस राइट सो इसको समझने के लिए इसके काफी लेयरिंग है ये आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस की तरह नहीं है ये काफी कॉम्प्लेक्स प्ले है तो इसको समझने के लिए यह जरूरी है कि आप इसकी पहले कहानी समझ लें ताकि आपको आसानी हो और इसके साथ साथ एक एक सीन में क्या क्या होता है बिकॉज़ हर सीन में काफी प्रमुख बातें होती हैं फॉर इंस्टेंस इन सीन फोर ऐसा लगेगा कि सीन थ्री बड़ा भारी भरकम सीन था क्योंकि पहली बारी हमने मैकबेथ से मुलाकात की मैकबेथ की मुलाकात हुई तीन बिचिस के साथ और इसके साथ साथ जो तीन प्रोफेसिज थी

सेट इन फॉर्ज विच इज डस एफ ओ आर जो है, जो इं पर आपको दिख रहा है एफओ आर आर ई जेड जो है इसको प्रोनाउंस करते वक्त इट विल बी ए बिट लाइक दिस फॉर्ज ओके इट्स अ टाउन लोकेटेड इन दॉर्दन पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड ओके स so कौन कौन है यहां पर डनकन है उसका बेटा मालकम है दूसरा बेटा डोनाल बिन है लेनोक्स है पीपल इन हिस्स पैलेस एंड सेवरल अदर अटेंडेंट डनकन ने आपको याद होगा कि एक्ट वन सी टू में एंड में कहा था कि थे ऑफ कॉर्डर जिसने बगावत की थी उसका एग्जीक्यूशन किया जाए उसको फांसी दी जाए या किसी भी तरह से उसको मौत के घाट उतार दिया जाए सो हीज इंक्वायरिंग इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कॉर्डर की क्या थे ऑफ कॉर्डर को मार दिया गया है आर नॉट दोन कमीशन येट रिटर्न आर दो इन कमीशन इन कमीशन का मतलब है कि बेसिकली उस काम जिसको सौंपा गया था क्या अभी तक वे लौटे नहीं है या नहीं सो हीज बेसिकली इंक्वायरिंग ओके माई लॉट जवाब देता है कि मैंने एक ऐसे आदमी से बात की है जिसने देखा कि उसकी मौत किस तरह से हुई okay, उसके आखिरी लम्हों की बात कर रहे हैं हु कन्फेस्ट रीजन की उसने ये कबूल किया कि उसने बगावत की थी इम्प्लोड योर हाइनस स्पॉर्डन उन्होंने उसने आपसे माफी मांगी एंड सेट फोर्थ ए डीप रिपेंटेंस यानी कि उसको इस बात का एक तरह से रिपेंटेंस था इस इस बात का दुख था कि उसने बगावत की थेन ऑफ इतने बड़े रैंक को होल्ड करने के बावजूद नथिंग इन लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग हिट यानी कि अभी तक जैसी भी उसकी जिंदगी थी थेन ऑफ कॉर्डर की जिंदगी अभी तक जैसे भी थी राइट right? उससे बेहतर वॉज द लास्ट मोमेंट ऑफिस लाइफ

कि उसने काफी खुशी खुशी अपनी जिंदगी दे दी और उस समय पर उसकी मौत से ज्यादा उसकी जिंदगी में और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी एज इफ इट वॉज थिंग ट्रिफल इज समथिंग विच इज नॉट वर्थ थिंकिंग अबाउट यू नो इट इज इज समथिंग वर्थलेस ओके नो आर्ट नाउ ये जो अगला सेंटेंस है डनकन का दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट देर इज नो आर्ट टू फाइन दाइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस ही वॉज ए जेंटलमैन ऑन हुई बिल्ट एंड एप्सुल्यूट ट्रस्ट सो डनक का कहना है कि इट इज इंपॉसिबल टू टेल द ट्रू नेचर ऑफ ए मैन बाय लुकिंग एट इस फेस किसी के चेहरे को देखे आप ये बता नहीं सकते हैं कि ये आदमी कैसा होगा ओके सो चेहरा इट्स लाइक ए मास्क यू नो यू कैन नॉट मेक आउट की वॉट द पर्सन रियल कैरेक्टर इज या अपने दिमाग में वो क्या सोच रहा है राइट टू फाइंड दाइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस माइंड्रक्शन मीन्स के दिमाग में वॉट एवर आर हिस्स थॉट यू कैन नॉट मेक आउट ऑन हिज फेस देर इज नथिंग विच विल बी एबल टू टेल यू कॉर्डर वॉज अ जेंटलमैन सो ही इन इज आफ्टर हीज लर्न दैट ही कॉल्स हिम अ जेंटलमैन यू रिमेंबर इवन मैगेथ कॉल्ड हिम अ जेंटलमैन इंसिडेंटली उसको पूरी तरह से उस पर विश्वास करता था वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वॉट आर्ट का मतलब है टेक्निक ओके देर इज नो टेक्निक बाई विच देर इज नो टेक्निक किसी भी तरह से आप इस बात को पता नहीं कर सकते हैं कि आदमी बंदा सोच क्या रहा है नाउ लुक एट दी the way shakespeare constructs his play or you will find this in the moment he talks about thane of Corder, the moment he talks about someone that i trusted him the element of trust the element of trust that's the last word he has spoken usi that the new thane of cawdor is entering who apna dost macbeth so macbeth enters along with banquo ross and angus so and that's the thing you know

बोझ की तरह था, कि तुमने इतना कुछ अचीव किया है talking about his military exploits. कि तुमने इतना कुछ अचीव किया है कि सबसे बड़ा पुरस्कार भी तुमको दिया जाए दैट विल नॉट बी विल बी स्लो टू ओवरटेक दी यानी कि वो काफी नहीं होगा वुड दाउ डिजर्व

चाहने से या तुमको जितना चाहिए था उससे ज्यादा मैंने तुमको दिया दैट पल्डा ऑन माय साइड बट नाउ इट इज मच मोर ऑन योर साइड बट राइट नाउ आई हैव टू से आई तुम ये बनता है कि मैं तुम्हारे को ज्यादा दू जितना मैंने दिया है उससे ज्यादा तुमको देने की जरूरत है ओके okay? एक तो शेक्सपियर इन इंग्लिश उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो बाप रे बाप नाउ इफ यू सी डनकन गलती क्या कर रहा है क्या आप स्पॉट कर सकते हैं डनकन गलती क्या कर रहा है डनकन गलती ये कर रहा है कि telling कि तुम ज्यादा डिजर्व करते थे लेकिन मैं तुमको तु, जो तुमको दे रहा हूं वो काफी नहीं है तो गलती डनकन ये कर रहा है कि टेलिंग हिस्स काइंड ऑफ मेकिंग मैकबेथ बिलीव कि हाँ राजा ने भी तो कहा कि मैं ज्यादा डिजर्व करता था राइट सो दिस्टेकूंग पोलिटिकली करेक्ट ही से राइट थिंग्स ही द सर्विस जो मैं आपकी तरफ जो भी सर्विस करता हूं और जितनी भी लॉयल्टी में दिखाता हूं राइट right? वफादारी जो दिखाता हूं आ, वो अपने आप उसमें वो एक पुरस्कार है जो वफादारी और जो सर्विस जो काम मैं आपके लिए करता हूं वो खुद में एक पुरस्कार है इट पेस पेल्फ योर हाइनेस्ट पार्ट इज टू रिसीव आर ड्यूटीज आपका ये अधिकार है कि आप हमारी हमारी तरफ से जो भी काम करते हैं उसको आप रिसीव करें एंड आर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन और हमारा कर्तव्य है टुवर्ड्स द्रोन ऑफ स्कॉटलैंड And state children and servants which do but what they should by doing everything safe toward your love and honor. The duty of your subjects, subjects, Scotland ke jo Nagrik is the same as the duty of a child towards his father, right? Or a servant towards his master, or safely right? So what he is saying is that. इसमें कुछ तारीफ करने वाली बात नहीं है ये नेचुरल है ये हमारा कर्तव्य है ये हमारा काम है ओके नाउ एंड ही ट्राइंग टू से अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही इज ट्राइंग टू से इज दिस वर्ड व्हाट इज दिस वर्ड सेफ बिकॉज सेफ्टी की ही बात आती है सेफ्टी की ही बात आती है जब डंकन मैकबेथ के कैसल इनबर्नस में जाता है तो उसको भी लगता है कि यहां पर मैं काफी सुरक्षित हूं लेकिन वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहता है क्योंकि रात के समय पर मैकबेद उसका खून कर देता है राइट सो सेफ्टी वर्ड दैट ही फुल ऑफ ग्रोइंग सो ही I द so, uh, given यू जितने भी पुरस्कार मैंने तुमको दिए हैं यानी कि जो नया टाइटल थे ऑफ कॉर्डर का दिया है दे आर लाइक बीच है जो नए न्यूली प्लांटेड सीड्स है और आई विल वर्क टू हेल्प यू ग्रो टू अ ग्रेट फ्यूचर तुम्हारा जो भविष्य है वह काफी बड़ा हो काफी अच्छा हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऐसा मैं काम करूंगा टू इन्श्योर दैट योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट एंड देन ही एड्रेसिसन ही एड्रेसिस बैंको हिस यू ऑल्सो आर नो लेस डिजर्विंग ओके ऐसा नहीं है कि तुम मैकबेट से कोई कम हो इन टर्म्स ऑफ डिजर्विंग एंड दिस थिंग एवरी वन शुड नो कि तुमने भी क्या किया है लेट मी ब्रिंग यू क्लोज एंड होल्ड टू माई हार्ट टू बेसिकली उसको हक करने की बात करता है बेनिफिट विल ऑल बी योर दार्वेस्ट उसका जितना भी जो असल होगा उतनी जितनी भी फसल उगेगी उस सबका फायदा आपको ही होगा महाराजा को बोलता है सो so, बैंको इज ए फॉय टू मैकबेद इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर ये हम काफी प्ले के पूरे भाग में देखेंगे कि बैंको इज लाइक अ कॉन्ट्रास्ट टू हाउ मैकबेथ बिहेव बिकॉज आप देखेंगे कि बोथ ऑफ देम ने दो चीजें एक साथ की हैं कौन सी दो चीजें दे हैव टेकन पार्ट इन द बैटल टुगेदर और जितने भी शत्रुओं को उन्होंने हराया है बोथ ऑफ देम मेट दी विच इज टूगेदर एंड दे हैड थ्री प्रोफेसिस टूगेदर ओके द थ्री प्रोफेसिस अबाउट मैकबेथ एंड दू प्रोफेसिज लेट से अबाउट बैंको दैट

कि अभी मैं अपने बड़े बेटे मैलकम के ऊपर मैं उसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा हूं गोइंग टू बी द प्रिंस ऑफ कंबरलैंड एंड ही विल बी द एयर टू द थ्रोन एस्टैब्लिश आर एस्टेट अपॉन एस्टैब्लिश आर एस्टेट अपॉन जो यहां पर जो लाइन है वी विल एस्टैब्लिश आर एस्टेट अपॉन यानी कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा एंड Uh, he will be the new prince of Cumberland, but he will not be the only one to get titles. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को title नया मिलेगा. New titles, सितारों की तरह they will also shine on others who deserve them. Like, जो भी deserve करते हैं उन सभी को भी नए title मिलेंगे. And that's what he's talking about, Macbeth getting the thane of Cawdor. Okay? और यहाँ से मैं Inverness जो कि Macbeth का किला है. वहां पर मैं जाऊंगा नाउ इसका कारण क्या है क्योंकि मैकबेथ के टाइम पर ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं होता था कि राजा का बेटा नेक्स्ट राजा बनेगा राजा को यह घोषित करना पड़ता था यही काम अभी डंकन ने किया है तो अगर डंकन ने ऐसा नहीं किया होता डंकर ने ऐसा अगर नहीं किया होता तो एक तरह से चांस था मैकबेथ मेलकम डोनाल्ड बिन मैकडफ कोई भी ये एक तरह से ट्राइक बैंक को ट्राई कर सकते थे अगला राजा बनने के लिए अगर डनकन की मौत हो जाती है लेकिन डनकन ने चूंकि अब ये पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि मेरे बाद या मेरा उत्तराधिकारी मैलकम बनेगा तो अभी मैकबेथ के लिए एक एक तरह से क्या बोलते हैं विडंबना हो जाती है कि अरे अगर डनकन को मार भी दिया जाए तो अगला तो मैलकम उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कैप्टन के बाद वाइस कैप्टन ऑलरेडी हो गया है

स्पिटैलिटी विल बाइंड वहां पर तुम क्या बोलते हैं मेहमान नवाजी करोगे ग्रेटफुल टू यू सो मैकबेद कहता है हारबिंगर एंड मेक जॉयफुल द हिरिंग ऑफ माई वाइफ विथ योर एप्रोच सो हम्बली टेक माई लीव यानी कि मैं पहले निकल जाता हूँ और अपनी वाइफ को आपके आने की सूचना देता हूं डनकन से इज माई बर्थिक

टू मूव अब हिम और गिव अप माई होप्स ऑफ किंगशिप राइट फॉल डॉन मतलब या तो मैं छोड़ दू कि ओके okay, अब तो नहीं हो सकता अभी तो वाइस कैप्टन भी बन गया या मेरे को उसको भी फाद कर जम्प कर कर आई विल हैीच टू द्रोन ऑफ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड देन ही सितारो अपने जितनी भी चमक है उसको छुपा लो क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो रोशनी है सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर दिस इज एन इंपॉर्टेंट की फ्रेज जिसका कर सकते हैं लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड को भी यह मालूम है कि उसके अंदर जो इस तरह के जो विचार आ रहे हैं दे आर ब्लैक एंड डीप दे आर नेगेटिव डिजायर की मैं किसी का खून करूं इन ऑर्डर टू बिकम दस्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड दई विंक एट दी हैंड

By praising his achievements, मैं उसकी जितनी भी उपलब्धियां हैं उसकी तारीफ करके मेरे को काफी खुशी मिलती है आई एम फेड मेरे को काफी संतुष्टि होती है इट्स अ बैंकवेड टू मी राइट इट्स लाइक यू नो आई एम वेल फेड हम भी निकलते हैं उसकेयर इज गॉन बिफोर टू बिड अस वेलकम इट इज अ पियरलेस किन्समैन राइट सो लेट एस गो अहेड क्योंकि वो हमसे पहले निकल गया है टू प्रिपेयर फॉर आर अराइवल एट इनव कैसल ही इज अनवल किंग्समैन की एक योद्धा और एज एज एस अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ माई किंगडम इज अनवल उसके जैसा कोई नहीं है सो विथ दैट वी कम टू द एंड ऑफ एक्ट वन सीन फोर आई होप यू हैंडरस्टूड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड टू बेयर इन माइंड As far as this scene is concerned. So now I will see you in scene five, where we will finally meet the other prominent character of this play, which is Lady Macbeth. Okay. Uh, jab hum castle hain. ta Tata. Bye bye.